हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी न्यूज़। हर बार की तरह आज भी मैं एक नई ट्रिक लेके आया हूँ जिससे कि हम WBC को समझेंगे। उसमें कि कोई एक सेंटेंस बना है वैसे हम आसान तरीके से समझेंगे, ओके। मगर अब तक आपने ये चैनल को लाइक नहीं किया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो आप ज़रूर कर लीजिए, जिसमें कि बायोलॉजी के रिलेटेड मैं हर वो चीज़ बताऊंगा जो कि आसान भाषा में होंगी, आसान तरीके से आप समझ पाएंगे, ओके। तो डिस्कशन करते हैं, आज का टॉपिक है, टुडेज़ वीडियो इज़ ऑन द WBC। सो फ्रेंड्स, टुडे इज़ आवर टॉपिक नोन एज WBC। WBC जो कि हमने पहले ही देख चुके हम WBC जनरल बायोलॉजी के लेक्चर्स में, कि WBC इज़ नोन एज वाइट ब्लड सेल्स, जिसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, ओके। ल्यूकोसाइट्स WBC का लाइफ स्पैन है 2 से 5 दिन तक, और ये 4 से 10 हज़ार तक पाए जाते, 4000 to 10,000 पर क्यूबिक mm, ठीक है। तो आज देखते हैं हम WBC के अंडर कौन से सेल्स आते हैं, क्योंकि WBC के अंदर बहुत सारे सेल्स के टाइप्स आते हैं, तो आज हम एक सिंपल ट्रिक के द्वारा उनको हम देखेंगे। तो आज का भी एक सेंटेंस मैंने जो बनाया है आपके लिए खास, तो वो इस प्रकार है, नेवर लेट मैथ्स इवनिंग बैच, ठीक है। नेवर लेट मैथ्स इवनिंग बैच, जो कि है डिनोट के हम करेंगे स्टार्टिंग लेटर्स NLMEB, यानी एन स्टैंड्स फॉर न्यूट्रोफिल्स, ओके। एल स्टैंड्स फॉर लिम्फोसाइट्स, एम स्टैंड्स फॉर मोनोसाइट्स, ई स्टैंड्स फॉर इओसिनोफिल्स और बी स्टैंड्स फॉर बेसोफिल्स। तो ये सब मिलाकर टोटल बनता है WBC, यानी वाइट ब्लड सेल्स के अंदर इतने टाइप्स के WBCs हैं, जिनकी परसेंटेज में अगर देखा जाए तो न्यूट्रोफिल्स है 60%, न्यूट्रोफिल्स है 60%, ओके। लिम्फोसाइट से 30%, मोनोसाइट से 60%, इओसिनोफिल से 30%, और सबसे कम जो कि है बेसोफिल्स, वो है 1%। ये सब जो सेल्स है वो WBC के अंडर आते। होप यू एंजॉयड द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, हैव अ गुड डे।